हेलो गाइस, तो देखिए आज है भाई दूज। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कैसे बनता है। आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जिसको पता नहीं होगा कि कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे लोग दूसरे जगह भी जा करके वहाँ पे पूजा कर लेते तो उनको आइडिया नहीं होता है बनाना कैसे है। तो हम बना रहे हैं आज, आप लोग भी देख लीजिए कैसे बनता है। तो आप लोग भी शायद कोशिश कर सकते बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं डब्बा डब्बा जैसे अभी पहले ट्राई कर रही हूँ, और यहाँ पर दो टो देते हैं जिससे कि हम लोग आर पार हो सके इसके लिए। तो यहाँ भी मैं डब्बा डब्बा बना रही हूँ पहले, और ये गोबर से ही बनता है, इसे मिट्टी उट्टी का यूज नहीं किया जाता क्योंकि गोबर को हम लोग शुद्ध मानते हैं। तो ये आप बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे छोटा ही बना रहे हैं क्योंकि उतना स्पेस नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और हमें दो जन को ही तो करना है इसलिए छोटे ही कर ले रहे हैं। और ये देखिए हम यहाँ पे भी घेरा करके बना रहे हैं। इसमें हम लोग जो भी प्रसाद रखते हैं, भाई लोग को खिलाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो इसमें हम लोग रखते हैं। तो इसीलिए हम चारों साइड में इस तरह का बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए हम साइड साइड डब्बा बनाने के बाद अब यहाँ पे हम जम जामुन बना रहे हैं, जो एक लड़का बनेगा और एक लड़की। तो ये अभी हम लड़का बना रहे हैं, ये लड़की है शायद, और अभी हम एक लड़का भी बनाएंगे। तो अभी आप लोग को उतना पता नहीं चलेगा कि लड़की लड़का कौन है, क्योंकि जब हम पूजा करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि हम लोग लड़की में सिंदूर लगाते हैं और लड़का में भी लगाते हैं, बट उनका मांग नहीं भरते, इससे आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। अभी हम एक ही बनाए, तो देखिए इसका हाथ पैर सब बनाए हैं। और ये देखिए हम यहाँ पे उंगली भी बनाए हैं, तो ये तीन ठो उंगली बनाए हैं, ये हाथ है और ये पैर है। पैर मेरे ज्यादा सट गया। यहाँ देखिए मेरा जम जामिन बन गया। तो ये लड़की है, तो इसके तरफ हम सील लोहरा बनाए हैं, ये कंघी है, ये सिंदूरदान है, इसमें हम सिंदूर करेंगे जब पूजा करेंगे तो। और देखिए हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि भाई दूज में कैसे बनाया जाता है, और पूजा करेंगे तो वो भी दिखाएंगे। और देखिए जो हम जम जामिन बनाए थे, अब इसी का हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो जो पिठार पीस करके लाए हैं ये वाला, तो अब इसे सब तरफ लगाते हैं। और ये देखिए हम सारे जगह पे अभी पिठार लगा दिए हैं, और अब लगा रहे सिंदूर। तो इसमें देखिए हम तो बताए थे ना कि सिंदूरदान बनाते, इसमें मैंने सिंदूर डाल दिया है, सील और सब में हम सिंदूर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ सब जगह सिंदूर लगा दे रहे हैं, और ये मेरी लड़की है तो इसलिए हम इसका मांग भी भर दे रहे हैं। और ये लड़का, तो इसे सिर्फ टीका लगा देते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पे पूरा भी छिड़ दिया है, फूल वगैरह थोड़ा सा इसमें भी रखेंगे क्योंकि इसमें हम प्रसाद रखेंगे। अच्छा, उसी में डाल देंगे फूल। कितने में डालो? अच्छा, सब में एक एक होना चाहिए ना। हाँ, सब में फूल डालना है। और थोड़ा सा अच्छा छिड़ देते हैं। अच्छा, तो सारे जगह ठीक है ना, थोड़ा सा चलेंगे। और यहाँ हमने तुलसी पत्ता भी डाल दिया है, अब चलिए प्रसाद चढ़ा लेते हैं। तो ये हम प्रसाद में चढ़ा रहे लड्डू, इधर भी चढ़ा देना हम। चढ़ा तो पूरा तो। और केला एक इधर ही चढ़ा देते हैं, इधर लड्डू चढ़ा दिया, उधर दे दिए।
हो गया। अब चलिए हम लोग इसमें भी हम लोग लगा लेते पिठार, क्योंकि इसका भी होगा पूजा। और इसमें अब लगा दे रहे हैं हम सिंदूर। मैंने लड्डू चढ़ा दिया वहाँ पे दीदी ने। अगर आप लोगों को और ज़्यादा ही डिटेल में देखना है कि पूजा हम हमने कैसे किया, तो अभी एक और ब्लॉग आने वाला है भाई दूज के ऊपर, तो वो ब्लॉग आप लोग जरूर देखिएगा, तो और भी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा बनाया जाता है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।